ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? फ्रैक्शन में बता दो। हाँ अभी देख सारे आंसर रैंडम आ रहे हैं। क्या ये आ रही है किसी का? ऐसा कुछ नहीं। ठीक, देखते हैं मैम, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो लेट्स सी। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या है तुम्हारे पास? एन टू प्लस 3 टाइम्स ऑफ एच टू, इट विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3। तो T इज इक्वल टू 1:3 का मोलर रेशियो है, यील्ड्स 20% बाय मोल। ठीक है, तो पहले T इज इक्वल टू जीरो पे, T इज इक्वल टू जीरो पे लेट्स से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये अगर A है तो ये 3 टाइम्स ऑफ A होगा। यस, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, ये A माइनस X, ये 3A-3X, और मैं प्रेशर से नहीं कर रहा, मैं मोल वाले कंसेप्ट से केपी निकाल रहा हूँ। ठीक है, और ये 2X, ये इंफॉर्मेशन एक्स और ए में रिलेशन के, उसने ये इंफॉर्मेशन देख के रखा है यहाँ, ये इंफॉर्मेशन उसने मेंशन करके रखा है। तो इसका यूज कैसे करना है तुमको, मतलब मोल परसेंटेज देख के रखा, मोल परसेंटेज ऑफ NH3। इसका मीनिंग क्या है? मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय एन टोटल इनटू 100, ये तुमको 20 दे के रख। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है, 2x NH3 के मोल्स कितने हैं? 2x, एन टोटल कितना है? एन टोटल हो जाएगा 4a-2x। यस बोलो, एन टोटल विल बी 4a-2x इंटू 100 इज इक्वल टू 20। ये ठीक है, तो यहां से आएगा 12 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 4a, तो x विल बी a/3। क्या ये आया है क्या तुम सब लोगों का, एक्स ए बाई थ्री किसी किसी का आया है क्या? वेदिका, मौली, रिहान, तो अगर तुमने यहां पर ही मिस्टेक, जिसका नहीं है तो तुमने यहां पर ही मिस्टेक कर दिया है, तुमने इस इक्वेशन का ढंग से यूज ही नहीं किया है। 20% बाई मोल का तुमने ढंग से यूज ही नहीं किया है, तो 20% मोल का मतलब ये इंफॉर्मेशन। हाँ वो ऐसा नहीं बोल रहा था कि 20% ऑफ मोल NH3 बन रहा है और 80% नहीं बन रहा, वैसा नहीं क्या? हाँ वो जो नॉर्मल हाँ सर मैंने भी ऐसे नहीं, सर पर इन्हें द यील्ड वर्ड यूज कर रहे तो हम हाँ सर इक्वेशन नहीं यूज करेंगे। 20% बाय मोल ऑफ NH3 नहीं, मतलब 20% उसने बोला है ना कि फॉर्म 20% किसका, एक का 20% फॉर्म नहीं हो रहा, ये नहीं है उसका मीनिंग। ये है कि जो टोटल जो मोल्स हैं, मोलर रेशियो एंड यील्ड्स 20% बाय मोल्स ऑफ NH3, मतलब टोटल मोल्स जो हैं, मोल रेशियो, मोल परसेंटेज दे के रखा है तुमको, इनडायरेक्टली मोल फ्रैक्शन दे के रखा है। ओके सर, ओके सर, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a/3। एक्स अगर a/3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये ठीक है, ए माइनस ए बाई थ्री मतलब टू ए बाई थ्री, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स ए बाई थ्री, और ये कितना हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा टू ए बाई थ्री। तो अब तुमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनएच थ्री। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनएच थ्री और पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू सेम होगा, ये समझ में आता है क्या, क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है, मोल्स सेम है तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। सॉरी, तो टू ए बाई थ्री अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, फोर ए बाई थ्री प्लस सिक्स ए बाई थ्री, टेन ए बाई थ्री। इंटू पी टोटल कितना है, थर्टी। कितना आएगा यहां से, ये यहां से ये आ जाएगा सिक्स एटीएम। यस बोलो, और क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है क्या बिना सॉल्व के कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू जो होगा एटीन एटीएम हो जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं, क्योंकि अगर टू ए बाई थ्री का सिक्स आ रहा है तो सिक्स ए बाई थ्री क्या है, वो थ्री टाइम्स इसके मोल्स है। यहाँ पर अगर ये टू ए बाई थ्री तो ये सिक्स ए बाई थ्री, तो मोल्स थ्री टाइम्स है। तो यहां से तुम डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू क्या लिख सकते हो, एटीन एटीएम। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने, जैसे एटीन एटीएम रखोगे अपना काम हो जाएगा। उसके बाद केपी निकालना है, तो केपी विल बी एनएच थ्री का स्क्वायर, तो सिक्स का स्क्वायर अपॉन सिक्स इंटू एटीन का क्यूब, वन अपॉन कितना आ जाएगा ये, एटीन इंटू एटीन इंटू थ्री। क्लियर है, तो आ जाएगा वन अपॉन नाइन सेवेंटी टू, और यूनिट इसका हो जाएगा एटीएम की पावर माइनस टू। डन, सर एक बार आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, नहीं सर वो क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं सर ये वाले, सर यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये वाले मेथड से भी किया था, इससे मेरा आंसर 1/972 आ रहा था, क्योंकि मुझे समझा नहीं था एड में हमको क्या यूज करना, तो मैंने दोनों यूज किया था। तो सर यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग अप्रोच किया था, आपने दो फॉर्मूलाज दिए थे केपी के, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रेशर अपॉन नंबर, प्रेशर टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा एन जी से भी कर सकते हैं। तो मैंने प्रेशर टोटल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो बन रहे इनटू डेल्टा एन जी, हाँ ठीक है सर, तो 30 एटीएम को मैंने इक्विलिब्रियम प्रेशर ले लिया। हाँ, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर है ही। हाँ सर ठीक है, मैंने भी 30 एटीएम को इक्विलिब्रियम प्रेशर ही लिया। ओके सर, वो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर है ही। ठीक है सर, डन। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन, 9.56, 9.3, 10, 9, 9, अच्छा मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। देखो
पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 तुमको 3 दे के रखा है। सबसे बेस्ट क्या है? देखो VNT कांस्टेंट है, यस बोलो। तो अगर V और T कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि तुम यहां पर ले लो इसको पी नॉट, यहां पर पी नॉट लोगे तो ये होगा पी नॉट माइनस एक्स लिख लो। अगर ये पी नॉट माइनस एक्स लिखोगे तो ये इस बार एक्स बाई टू बनेगा और ये भी इस बार एक्स बाई टू बनेगा। यस और ये तुमको दे के रखा है x बाई टू, पार्शियल प्रेशर ही अज्यूम कर रहे हो यहाँ पर। x क्या अज्यूम कर रहे हैं अपन? P नॉट और x क्या है उसका पार्शियल प्रेशर ही। ये तुमको दे के रखा है 3 atm। तो अगर ये 3 atm है तो x तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 atm। उसके बाद अगर तुमने P नॉट निकाल लिया एट t इज इक्वल टू 0, तुम लगा सकते हो PV इज इक्वल टू nRT। P नॉट भी इंटू एन ऑफ किसका IBR इंटू आर इंटू टी, क्योंकि इनिशियली सिर्फ IBR ही प्रेजेंट था तो IBR का प्रेशर कितना है P नॉट। तो P नॉट मुझे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम मुझे दिया 0.2, एन टोटल कितना हो जाएगा 7, तो उसका वेट दे के रखा है इनिशियली, तो वेट डिवाइड बाय उसका मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका IBR का, क्या 188 हो जाएगा क्या? 207 के 188 207 सॉरी हाँ 127 81 ना हाँ 207 इंटू आर का वैल्यू। अगेन आर की वैल्यू में अगर 1/12 लिया तो प्रॉब्लम्स होगी, तो इसीलिए 0.0821। और टेम्परेचर भी उसने दिया है कितना 500 केल्विन। कितना आ रहा है यहाँ से पी नॉट का वैल्यू अगर तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो जिस भी बच्चे ने 0.0821 लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग पी नॉट ये आएगा 6.94। एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 6.94 जब रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.94, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 कितना हो जाएगा, क्या वो ये होगा क्या 6/12.94 इंटू पी टोटल कितना देके रखा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे पी टोटल हो जाएगा पी नॉट, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, तो पी टोटल कितना हो जाएगा पी नॉट, पी नॉट कितना है 6.9। क्या यही होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2? यस नो, ध्यान से देखो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 को यही लिखूंगा क्या, खुद के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100, यस सॉरी इनटू पी टोटल, यस। अबे गारो ये थोड़ी लिखेंगे, मेरे हाँ में हाँ भरते जा रहे हो, ये सही थोड़ी है, वो ऑलरेडी प्रेशर ही है, इट इज ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर ही है। महक और प्रथमेश तुमने आंसर गलत दिया है। नहीं सर एक्चुअली मैं थोड़ी कंफ्यूज, सर मैंने एक्चुअली ये सब किया। हाँ तुमने किया सही होगा, बट जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो तुमने गलत बोला। हाँ सॉरी सॉरी। तो ये 0.94 है, ये 6 है, ये 6 है, ये कॉमन मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं अपने माइंड में मोल फ्रैक्शन चलता रहता है, तो अपन क्या करते हैं फिर से 6/6.94 × 6.9 = 12.94 × 12.6.94 इसका मतलब तो ये खत्म, तो ये मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ से के पी कितना आ जाएगा, के पी विल बी हियर, के पी विल बी AP is equals to
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आर टू इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ आई बी आर का स्क्वायर, तो सिक्स इंटू सिक्स अपॉन 0.94 का स्क्वायर कितना आ रहा है ये बोलो। सर वो 3 × 3 नहीं होगा? हाँ सर, क्योंकि 3 होगा क्या? अच्छा 6 सर, एक्स बाई टू ही 3 देके रखा, एक्स 6 है ना सर। सही है, ये भी 3 ये भी 3, हाँ 3 × 3 यस। तो ये होगा तुम्हारे पास 3 × 3 अपॉन, तो 9 से स्लाइटली ज्यादा आएगा, कितना आ रहा है 10.18। अगर जिसने अगर सपोज यहाँ पर आर का वैल्यू 1/12 लिया तो ये 7 आएगा, फिर ये 7 आएगा तो ये 7 - 6 ये 1 हो जाएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। सर एक और है कि 7/206 लेंगे। अच्छा नहीं, 7/207 लेंगे, नेट में 206 दिखा रहा था इसलिए बोली। अच्छा 206 से 6.94 आ रहा है क्या? इसका 6.94 आता है ये मुझे पता है, एक बार कैलकुलेट करके देखो 6.94 किससे आता है, 206 से आता है या 207 से आता है? 207 से आता है, ठीक है। पर ठीक है, एक का डिफरेंस में अगर आंसर होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है सबको ये? तो केपी को निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में जो डेटा देख के रखे हैं उसके बेसिस पे फिर हमको मोल से करने। ऊपर वाले प्रॉब्लम देखो मैंने मोल फ्रैक्शन से किया है, मैंने लास्ट टाइम 3 मेथड बताए थे ना केपी कैलकुलेट करने की, तो यहां पर मैंने मेथड 2 यूज किया, एक जगह मेथड 3 यूज किया। तो यहाँ पर ऊपर वाले मैंने मोल से किया है ना, तो यहाँ पर मैंने कौन सा मेथड यूज किया है? मेथड 3 यूज किया है। यस बोलो। और यहाँ पर मैंने कौन सा मेथड यूज किया है? मैंने यहाँ पर मेथड 2 यूज किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेथड 1 कब यूज करना है? मेथड 1 तब यूज करना है जब उनको केसी डायरेक्टली गिवन ही दिया हो। अगर केसी ही गिवन है ना तो केपी इक्वल्स टू केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा एन जी करना, अदरवाइज मेथड 2 या मेथड 3 करना है, या तो मोल से करना है या फिर पार्शियल प्रेशर से करना है। इफ यू आर डूइंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द पार्शियल प्रेशर देन टेक केयर ऑफ दिस थिंग, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ये मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर? बोलो। ओके देन, तो तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे सब कुछ 1111 देके रखा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, टी इक्वल्स 0 पे सब कुछ 11 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, के इक्विलिब्रियम केसी तुमको 1/4 देके रखा है, वॉल्यूम तुमको 1 लीटर देके रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम।
फोर एक अच्छा नंबर है तो वो भी ध्यान रखना। कितना टाइम क्यों लग रहा है यार। ओके मैं नो टू कैसे आ रहा है तुम्हारा सब इक्वेशन की दो वैल्यूज आती है कौन सी यूज करनी है वो चूज करना पड़ता है। इक्वेशन की दो वैल्यूज कैसे आएगी रूट लो ना डायरेक्टली उसका सर उसकी एक 3 आती है और एक 1/3 आती है सर वो फैक्टर रूट लोगे तो कैसे आएगा तुमने ओपन कर दिया क्या उसको। हाँ सर बिल्कुल ही पागल हो यार। हाँ 4/3 2/3 ऐसा कुछ तो आ रहा है 4/3 कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे यार सुनो क्या सबको ये समझ में आता है ये 1 - x ये 1 - x ये 1+x और ये 1+x होगा यस नो ये तो सबको समझ में आता है। यहाँ अगर से अगर x डिसोशिएट हो तो यहाँ पे x बनेगा और 1 पहले से है तो इसको 1+x लिखूंगा x नहीं लिखूंगा ये 1+x लिखूंगा x नहीं लिखूंगा। अच्छा उसके बाद सिंपली केसी को कैसे लिख सकते हो वॉल्यूम तो 1 लीटर है तो फर्क नहीं पड़ेगा तो जो मोल्स होंगे वही कंसेंट्रेशन होगा तो 1+x इंटू 1+x तो 1+x का स्क्वायर। तुमको मैंने बोला भी है 4 अच्छा नंबर है अब यार कुछ पागल ही होगा जो इसको ओपन करेगा। क्या इसको ओपन करने की नीड है क्या महक तो फिर रूट नहीं ले सकता हूँ डायरेक्टली दोनों साइड। देखो यार नंबर से तुमको चीजें पता होनी चाहिए कि यार 4 तो अच्छा नंबर है 4 है 27 है 8 है 16 है 32 है 64 है 81 है दीज आर द गुड नंबर्स ना क्लिक होना चाहिए। अब फालतू में अपनी मेहनत बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो ओपन करो फालतू में और अब ये चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए कि हाँ यार ये कर सकते हैं तो 1+x 1 - x और नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं डेफिनेटली तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास 2 आएगा तो यहां से क्या आएगा 1+x इज इक्वल टू 2 - 2x तो x इज इक्वल टू 1/3। अपने को क्या चाहिए अपने को कंसेंट्रेशन 1+x चाहिए तो कंसेंट्रेशन ऑफ c क्या होगा 1+x अपॉन v तो 1+1/3 अपॉन 4/3 कर सकते हो इस टाइप के सम्स। पक्का तो करो
नहीं यार, ओके तशा गुड। नहीं यार गिरीश, नहीं यार किस तो फर नो, इट्स नॉट 16/5। ओके प्रथमेश गुड। ओके रिजा गुड। ओके विदिका अल्फिया कारवी गुड गुड गुड। ओके वेंस ओके मॉली ओके इशिका फोरम शानिका गुड। ओके शान गुड। ओके गिरीश गुड। ओके वरुण एंड विपुल गुड। चलो कैसे कर सकते हैं इसको, मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1-x, इसको मैं लिखूंगा 1-x, इसको मैं लिखूंगा 3+x, इसको भी मैं लिखूंगा 3+x। ये ठीक है, उसके बाद वही सेम चीज जो यहां पर किया है। बट यहाँ पे ऊपर 1+x की जगह आएगा 3+x। क्या इस बार सबका x -1/3 आएगा? क्या x का वैल्यू -1/3 हो सकता है क्या? एक्स का वैल्यू -1/3 हो सकता है? हाँ हो सकता है। और माइनस क्यों आ रहा है, तब इस रीजन है क्या? इसका मतलब क्या है, तुमने क्या अज्यूम किया है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है? यस, तुमने क्या अज्यूम किया है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है? बट अगर देखो, अगर ये 0-0 होता ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाता। बट अगर सपोज रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में रिएक्शन कहां जा रहा है? रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड। अपन ने फॉरवर्ड अज्यूम किया, अपन ने क्या अज्यूम किया, अपन ने फॉरवर्ड अज्यूम किया। तो अगर एक्स कभी भी देखो, ऊपर वाले केस में क्या था, अपन ने फॉरवर्ड अज्यूम किया, एक्स पॉजिटिव आया, इसका मतलब ठीक है फॉरवर्ड ही जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अपन ने इसको ये अज्यूम किया, सॉरी अपन ने क्या फॉरवर्ड अज्यूम किया और एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब रिएक्शन को अगर मैंने फॉरवर्ड अज्यूम किया है, बट एक्चुअली अगर एक्स नेगेटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, भले तुम फॉरवर्ड लेके जाओ। तो मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था, इक्विलिब्रियम को कहां से एस्टेब्लिश कर रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम फॉरवर्ड से एस्टेब्लिश करो या फिर बैकवर्ड से एस्टेब्लिश करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। आंसर अभी भी इसका क्या होगा, आंसर इसका अभी भी यही होगा 3+x। तो नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव से घबराना नहीं है यार अपने। 8/3 तो तुम हमेशा फॉरवर्ड ही अज्यूम करो,
तुम ऑलवेज फॉरवर्ड ही अज्यूम करो, अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ठीक है फॉरवर्ड अज्यूम किया था फॉरवर्ड ही जा रहा है, अगर एक्स नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब फॉरवर्ड अज्यूम किया था बट एक्चुअली रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर सर? हम्म, तो एक्चुअली वो 1 प्लस x और 3 माइनस x होगा क्या नेगेटिव आ रहा है, क्यों करेंगे अपन वो? हां एक्चुअली सर बस पूछेगा तो 1 प्लस x और 3 माइनस x होना चाहिए, बट तुम्हें ये बोला है कि बैकवर्ड जाएगा इसका आंसर ये 3 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स होना चाहिए, यस फिर वो चीज होनी चाहिए, बट मेरे को करना ही नहीं है, मैं हमेशा फॉरवर्ड अज्यूम करूंगा, अगर एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छा है, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड अपने को पता होना चाहिए कि नेगेटिव का मतलब रिएक्शन इज गेटिंग गोइंग बैकवर्ड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? क्या सर पहले ही पता कर सकते हैं सॉल्व करने से पहले कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? यस वो तुम कर सकते हो। कैसे? उसके लिए डिफाइन करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। तुम क्या करो, तुमको जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दे के रखा है ना, ये देखो ध्यान से सुनो जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे जब तुम ये रेशियो लेते हो ना C इंटू डी अपॉन ए प्लस बी, वहां से KC मिलता है। इक्विलिब्रियम पे जब तुम इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन लेते हो तो तुमको KC मिलता है। बट इक्विलिब्रियम के अलावा जितने भी पॉइंट्स है, इक्विलिब्रियम के अलावा जितने भी पॉइंट्स है मतलब T इज इक्वल टू जीरो पे, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम है? क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम है अभी? नहीं। तो वहां पर अगर तुम सेम रेशियो लोगे सी इंटू डी अपॉन ए प्लस बी, किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी भी टाइम पे अगर तुम ये रेशियो लोगे तो उसको बोलते हैं क्यू, रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट, तो केसी इज द स्पेशल केस ऑफ रिएक्शन कोशेंट, केसी इज द स्पेशल केस ऑफ रिएक्शन कोशेंट। ये समझ में आया? किसी भी टाइम पे मतलब लेट्स से अगर सपोज लेट्स से किसी रिएक्शन को 1 से 10 मिनट्स लग रहे हैं, टी इज इक्वल टू 0 से t = 10 मिनट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, उस 10 मिनट के इंटरवल्स में 10 मिनट को छोड़ के जिस भी टाइम पे अगर तुम ये सेम एक्सप्रेशन लोगे ना तो यहाँ से जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्लियर? सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी कितना आ रहा है देखो, 1 into 1 upon 1 into, ये मैं फर्स्ट वाले केस के लिए कर रहा हूं। तो Q जो है वो क्या आ रहा है, K से कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है? Q जो है वो लेस देन क्या आ रहा है? तो अगर रिएक्शन कोशेंट कभी भी K से कम आए तो एक मैंने QC लिखा है, QC अगर कभी भी KC से कम आए इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगा? तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो फॉरवर्ड ही जा रहा था, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, फॉरवर्ड अज्यूम किया था फॉरवर्ड ही जा रहा है। पर अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले केस में बताओ क्यू कितना आएगा? इस वाले केस में क्यू आएगा 3 into 3 upon 1 into 1। इस बार क्या आ रहा है, क्या वो मोर देन केस ही आ रहा है क्या? यस, इसका मतलब मैं रिएक्शन पहले ही तुमको बता सकता था प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बट अपने को बैकवर्ड से बैकवर्ड जाएगा पहले चेक नहीं करना है, मत करो चेक, तुम फॉरवर्ड ही अज्यूम करो, साइन से भी तुम पता कर सकते हो। जब भी सॉल्विंग वाला पार्ट आ रहा है कि सॉल्व ही करना है अपने को, यहाँ पे कंसंट्रेशन सी एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो मुझे रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा, तो तुम फॉरवर्ड अज्यूम करके ही लिख लो, साइन वाइन अपने आप उसको बैलेंस आउट कर देंगे फर्स्ट थिंग। बट अगर लेट्स से मैंने एग्जाम में क्वेश्चन तुमको ये पूछा होता, ये डेटा दिया होता और मैंने पूछा होता रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है और मैंने केसी दिया होता तो फिर तुम ये कर लेते, क्यों निकालो क्यों अगर लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है वो चेक कर लो। समझे?
हाँ महक बोलो। सर ऐसा सेम रिलेशन हम लोग क्यूपी एंड केपी के लिए भी यूज कर सकते हाँ क्यूपी और केपी के लिए भी यूज कर सकते, तो उसमें से पार्शियल प्रेशर लेके यूज करेंगे ना। हाँ उसमें पार्शियल प्रेशर। ओके सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमको कभी भी डेटा पॉइंट दे के रखा है कंसंट्रेशन सी इक्विलिब्रियम निकालना है, तो तुम हमेशा फॉरवर्ड ही अज्यूम कर दो। अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है फॉरवर्ड अज्यूम किया था फॉरवर्ड ही जा रहा है, बट अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मैंने फॉरवर्ड अज्यूम किया था बट एक्चुअल में रिएक्शन इज गेटिंग रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड, तो ये चीज है। या फिर अगर तुमको इनिशियली क्वेश्चन में एग्जाम में तुमको ये पूछा होता कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड जा रहा है, तो तुम क्या करो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है ना उससे क्यों निकाल लो, क्यों कैसे निकालना, जैसे के निकालते थे वैसे निकालना है। बट केसी जो है वहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सी डी ए बी लेना है वो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन लेना है, इक्विलिब्रियम के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर इफ यू आर टेकिंग द सेम रेशियो ना तो यू विल गेट द क्यूसी रिएक्शन कोशेंट किसी भी टाइम। लेट्स से इफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिशिंग इन 10 मिनट्स ओके एंड इफ यू डिफाइन द सेम रेशियो सी इंटू डी अपॉन ए प्लस बी आर टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे उसको बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट, टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स में भी उसको बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट, टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स में भी उसको बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट, टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे उसको रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे, बट एक्चुअल में रिएक्शन कोशेंट किसके इक्वल हो जाएगा किसी के इक्वल हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर? तो कैन वी सिंपली से दैट केसी इज द सबसेट ऑफ क्यूसी? यस यस there is a unique value of kc, yes kc ka ek unique value hoga, kya qc ka bhi ek unique value hoga kya, ya qc kuch bhi ho sakta hai, qc kuch bhi ho sakta hai, yes clear। चलो फिर ये तो हो गया, अब एक बार क्यू को डिफाइन कर लेते हैं, आज का काम यही है, वी वांट टू डिफाइन द क्यू। ठीक है, एट ईच पॉइंट ऑफ द रिएक्शन वी कैन राइट ए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैविंग द सेम फॉर्म एज द इक्विलिब्रियम। अगर तुम सेम फॉर्म ले रहे हो उसका, जैसे अभी के इक्विलिब्रियम लिखा था, एट ईच पॉइंट इन रिएक्शन वी कैन राइट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हैविंग द सेम फॉर्म एज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। This ratio is called the reaction quotient and symbol by Q. It helps to predict the direction of a reaction. जैसे तुम किसी भी reaction का KC लिखते हो, किसी भी time पे अगर तुम ये लिखते हो, at any time देखो, सबसे important चीज ये है, at any time during the reaction, किसी भी time पे लिख रहे हो, तो उसका मतलब ये है। और KC कब लिखते हैं? At T is equals to T equilibrium. तो केसी का मतलब T is equal to T equilibrium पे ऐसा लिखेंगे। अब तुम मुझे बताओ, initially कोई भी reaction है, A plus B will give C plus B. तो initially let's say A और B कुछ होगा, C और D कितना होगा? Zero zero होगा, yes. Initially product अगर कुछ भी specify नहीं किया तो मैं उसको zero zero लूँगा. Initially reaction quotient क्या होगा? T is equal to zero पे reaction quotient क्या होगा? Zero. T is equal to zero पे reaction quotient क्या होगा? Zero. और at equilibrium reaction quotient किसके equal होगा? At equilibrium reaction quotient किसके equal होगा? वो KC के equal होगा। तो T is equal to zero पे अगर तुमको कोई reaction quotient बोले और तुमको C और D का concentration zero दे के रखा है, zero होगा। और जैसे कि अपने ऊपर वाले question में zero नहीं होगा, अपने ऊपर वाले question में C और D zero नहीं था ना, C और D कुछ value थी, तो इसलिए Q कुछ और आ रहा। अगर दोनों जीरो जीरो होते तो क्यू जीरो आता। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये,
क्यू का टेंडेंसी हमेशा के की तरफ जाना होता है, क्यू का टेंडेंसी जो है वो हमेशा के की तरफ जाने की होती है, ठीक है। क्लियर, क्यू हमेशा के की तरफ जाएगा। तो क्यू अगर लेस देन के इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड, क्यू अगर लेस देन के इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड। क्यू अगर ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम है तो बैक। तो क्यू ग्रेटर देन के सी है बैकवर्ड डायरेक्शन, क्यू लेस देन के सी है फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यू इज इक्वल टू के सी है इक्विलिब्रियम। डन, बोलो। ये वाला प्रॉब्लम करना है दिस वन। तो अपने को क्यू ए पी दे के रखा, अपने को क्यू पी निकालना है, क्यू पी कितना आ रहा है और वैल्यू पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। तो क्या मैं क्यू पी को ये लिख सकता हूँ क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आर टू की पावर हाफ डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ पी आर। एनओ कितना दे के रखा है, एनओ तुमको दे के रखा है 0.4, तो 0.4 इंटू ये रूट टू डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.8 इंटू रूट टू, ये डेफिनेटली 0.51 से ज्यादा आएगा। यस, सॉल्व करने की नीड नहीं है, डेफिनेटली केपी से ज्यादा आएगा। केपी से ज्यादा आने का मतलब अगर क्यू ले ग्रेटर देन केपी तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। मैं पूरा ली चैटली रिसीव प्रिंसिपल पे खत्म कर दूंगा, क्यू से क्यू ले ग्रेटर देन केपी बैकवर्ड, क्यू लेस देन केपी फॉरवर्ड, खत्म। और ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार। क्या तुम लोगों को ये समझ में आता है क्या कि ये के एफ है और ये के बी है, बोलो।
यस नो क्या किसी ने ये सोच लिया था क्या? मैंने वो लास्ट टाइम भी बोला था, जो रिएक्टेंट के आगे आए तो एनओ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ओ2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जो रिएक्टेंट के आगे आए वो केएफ है और जो प्रोडक्ट के आगे आए वो केबी है। और जिस बच्चे को ये भी समझ में नहीं आता तो तुम एक चीज देखो, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स क्या है जो मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी क्या वो जीरो होगा क्या? इक्विलिब्रियम पे जो मोल डिसोसिएट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो तो जीरो है ना, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा। यस, तो अगर तुम dx by dt को जीरो पुट करोगे, तो dx by dt को जीरो पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? क्या तुम सबको एक चीज ये समझ में आता है? ये आएगा 2.6 into 10 to the power 3 divided by 4.1 is equals to कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनओ टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ का स्क्वायर इनटू यस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इक्विलिब्रियम पे दो मेथड है इसको सॉल्व करने की। अगर जो भी रिएक्टेंट के आगे का कोफिशिएंट है वो केएफ है, जो भी प्रोडक्ट के आगे कोफिशिएंट है वो के बी है, तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी कितना होगा वो जीरो होगा। अगर वो जीरो है तो इसका मतलब इसको जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। नाउ यहां से तुम कमेंट कर सकते हो, क्या तुम सबको एक चीज ये समझ में आता है? ये के सी है, सॉरी ये के एफ है और ये के बी है, अभी तो ठीक है। बोलो, या तो डायरेक्ट ही लिख लो जैसे मैंने तुमको बताया, रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट केएफ है, प्रोडक्ट के आगे कोफिशिएंट केबी है। अगर जिस भी बच्चे को ऐसे नहीं लिखना है तो तुम ऐसे करके देख लो, तो केसी तुमको पता है, क्यूसी के लिए तुमको इन्फॉर्मेशन देख के रखा है, बताओ क्या होगा? क्यूसी के लिए तुमको इन्फॉर्मेशन देख के रखा है तो यू कैन टेल कि क्या होगा। मैं थोड़ा सा आंखें खोल के बोलो 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 बी। अच्छा, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बी, मैक इज गेटिंग ए, मॉली इज गेटिंग ए, तो अब तुम देखो, तो तुम अगर इसका QC लिखोगे तो QC कैसे लिखोगे? NO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो 0.1 वॉल्यूम 1 लीटर है तो और भी अच्छा है अपने लिए, तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 इंटू 0.01 का स्क्वायर। ये क्लियर है? तो नेट ये कितना आएगा? क्या ये 10 की पावर 4 आएगा क्या? तो मैं, क्या तुमको एक चीज समझ में ये नहीं आता है क्या? ये केसी से ज्यादा है सर, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया था समझ में। शाबाश, वेरी गुड। तो रेशियो भी ध्यान रखना है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा?
डन वही है, इसका यूज इतना ही है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। क्या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे, सर देखो कर तो रहा है सर, देखो ये आपने लिखा ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। एक चीज ध्यान से सुनना, अगर तुम एनओ की, अब एक चीज सुनो यहां से ध्यान से, चलो ये वन माइनस एक्स, ये वन माइनस एक्स, थ्री प्लस एक्स, थ्री प्लस, ठीक है, ये मैंने इक्विलिब्रियम लिया, ठीक है, ये मैंने इक्विलिब्रियम लिया, ये ठीक है, ध्यान से सुनना, तो इक्विलिब्रियम पे ये फोर बाई थ्री, एट बाई थ्री, एट बाई थ्री है, तो यहां से मेरे को केसी मिल जाएगा, केसी कितना आएगा, फोर आएगा। अच्छा तो क्या केसी की वैल्यू हमेशा फोर ही रहेगी क्या? एक फिक्स टेम्परेचर पे केसी का वैल्यू फोर ही रहेगा, यस। बट अगर सपोज सर अगर मैं सी की कंसंट्रेशन को चेंज कर दूंगा तो सर सी को मैंने 8 बाई 3 की जगह 10 बाई 3 ले लिया तो क्या केसी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, एक मिनट, केसी चेंज हो जाएगा क्या? ना, केसी चेंज नहीं होगा, केसी चेंज नहीं होगा। तो सर अगर इसको 10 बाई 3 ले लोगे तो फिर मैं अगर मैं 10 बाई 3 इंटू 8 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3 इंटू 4 बाई 3 वो क्या होगा? अगर मैंने इसको 10 बाई 3 ले लिया होता तो 10 बाई 3 इंटू 8 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3 इंटू 4 बाई 3 क्या होता? फिर वो QC होता, क्योंकि KC को छोड़ के जितना भी ये रेशियो है वो सारा का सारा क्या है? QC है। क्लियर? बोलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केसी का एक यूनिक वैल्यू होता है, अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी विल चेंज, बट अगर सपोज तुमने रिएक्शन का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, इसको 8 बाई 3 की जगह 10 बाई 3 कर दिया, तो 10 बाई 3 करोगे तो होगा क्या? 10 बाई 3 करेंगे तो इस बार जो रेशियो आएगा 10 बाई 3 इंटू 8 बाई 3 अपॉन 4 बाई 3 इंटू 4 बाई 3 उससे मुझे क्यूसी मिलेगा, केसी नहीं मिलेगा, केसी तो फिक्स है। क्लियर सबको ये वाला पॉइंट? अगर डाउट है तो माइक ऑन कर सकते हो आप। एक तो ये चीज ध्यान रखना, डज नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट डाल दो कुछ फर्क पड़ेगा ना? इक्विलिब्रियम पे कुछ भी फर्क, इक्विलिब्रियम पे किस किस का फर्क पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा टेम्परेचर। इफ यू चेंज द टेम्परेचर ना, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल चेंज। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज ऑनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। इफ यू चेंज द टेम्परेचर केसी विल चेंज। KP will change. तो KP और KC will remain constant at constant temperature, no matter how much changes are made in the pressure, concentration and the volume and the catalyst. कितना change करो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये point सबको clear? Equilibrium constant does not depend on the concentration of reactant and product. बट kx डिपेंड कर जाता है। kx के बारे में कोई पूछता नहीं है, बट अगर तुमको स्पेसिफाई किया एग्जाम में kx डिपेंड करेगा प्रेशर पे, यस वो डिपेंड करेगा। कैसे? देखो, क्या ये एक्सप्रेशन मैं तुमको बता चुका हूं क्या? ठीक है, KP तो कांस्टेंट है, यस। KP इज इक्वल टू KX इनटू P की पावर डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा n कितना है? 1 है, तो KP इज इक्वल टू KX इनटू P आएगा।
क्या केपी प्रेशर के साथ चेंज होगा? क्या क्या केपी प्रेशर के साथ चेंज होगा? नहीं। अरे यार प्रथमेश अभी ऊपर बताना, केपी और केसी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर को चेंज करेगा तो केपी कहां से चेंज होगा यार? केपी को चेंज करेगा, टेम्परेचर को चेंज करेगा तो केपी तेरा क्यूपी बन जाएगा, तो वो चेंज नहीं होगा। बट अगर तू केपी तो चेंज नहीं हो रहा और तू प्रेशर को बढ़ा रहा है, अगर तू प्रेशर को बढ़ा रहा है तो के एक्स को कम होना पड़ेगा ना, तभी तो केपी कॉन्स्टेंट आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केपी मेरा प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता, तुम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो के एक्स को डेफिनेटली डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो केपी कॉन्स्टेंट आएगा। प्रेशर को अगर तुमने टू से बढ़ रहा है तो के एक्स तुम्हारा टू से कम होना चाहिए, अगर ये ट्वाइस है तो के एक्स तुम्हारे पास हाफ होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट आएगा। यस इसका मतलब के एक्स चेंज होता है यार प्रेशर चेंज करने के साथ साथ। फिर से देखते हैं इसका डेल्टा एनजी जो है इस वाली रिएक्शन का वो माइनस टू आ रहा है, तो माइनस टू का मतलब इस बार ये एक्सप्रेशन है kp is equals to kx upon p square। अब तुम प्रेशर को बढ़ाओ, तो kx भी बढ़ेगा तभी kp कांस्टेंट आएगा। प्रेशर को बढ़ाओगे तो kx को भी बढ़ना पड़ेगा तभी तो kp कांस्टेंट आ पाएगा। यस पक्का? तो ये चीज ध्यान रखना, केपी एंड केसी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इफ यू चेंज द कंसंट्रेशन केपी एंड केसी विल बिकम क्यूसी एंड क्यूपी। फर्स्ट थिंग, इट वॉन्ट चेंज विद द कंसंट्रेशन, विद द वॉल्यूम, विद द प्रेशर, विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इट ओनली चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज्ड, बट केएक्स विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर then kx might be decrease, may be increase or may be decrease based on the delta n. Clear? If we change the pressure, kx will change, it will increase and decrease depends on the tumhare paas kis pe delta n. Abhe yaar kx to definite, aray kx to temperature pe karega hi na, depend yaar, kyun nahi karega? टेम्परेचर चेंज करेगा तो केपी चेंज होगा, केपी चेंज होगा तो केएक्स भी चेंज होगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ हम इसको ऐसा देख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी जैसे बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला भी उसका हाफ एम वी स्क्वायर, फिर भी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो अगर मास भी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं। कौन सा मास सर? बॉडी का। तो कहां से काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है यार? नहीं सर बस रिलेट करवाने, तो कंफ्यूज कर रहा है बाकी लोगों को। देखो अगर वैसे समझ में आ रहा है तो रख ले याद, देखो अगर वैसे सही लग रहा है जो कि बहुत वेग चीज है, देखो अगर वैसे सही लग रहा है तो याद रख ले वैसे। ठीक है प्रथमेश? यस सर। ओके चलो, क्या ये एक्सप्रेशन सबको पता है क्या? log k1 is equals to minus delta s naught upon 2.303 into RT1 plus delta s naught upon 2.303 into R। तो T1 टेम्परेचर पे मैंने ये लिख लिया, T2 टेम्परेचर पे मैं log k2 लिख लूंगा, यहाँ पे T2 लिख लूंगा, माइनस कर लो, 2 माइनस 1 करो, तो log k2 माइनस log k1, तो उसको log k2 by k1 लिख सकता हूँ क्या? सब्ट्रैक करोगे तो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, और सब्ट्रैक करोगे तो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक कर रहे हो इससे, यहाँ पर ये साइन प्लस हो जाएगा, तो 1/T1 के आगे प्लस आएगा, 1/T2 के आगे माइनस आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन पढ़ा है, लॉग k1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू RT1 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर, लॉग k2 इज इक्वल टू दिस, तो 2 माइनस 1 करूंगा तो लॉग k2 माइनस लॉग k1 आएगा, लॉग k2 बाई k1 आएगा।
इसको करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, तो टी वन के आगे प्लस आएगा, टी टू के आगे माइनस आएगा। तो टेम्परेचर चेंज करूंगा, ये डेरिवेशन थोड़ी किया था पहले, नहीं ना ये एक्सप्रेशन बताया था क्या, log k2 by k1 is equals to delta h upon 2.303 into r into 1 upon t1 minus 1 upon t2, नहीं ना? ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो t1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था k1, तो t2 टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा k2 हो जाएगा। t1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो था k1, t2 टेम्परेचर पे कितना हो जाएगा वो k2 हो जाएगा। अब सुनो, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब T2 greater than T1 से, ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी? एलसीएम लेके देखो यार, टेक द एलसीएम एंड गेट द इंफॉर्मेशन, 1/T1 - 1/T2, तो T2 - T1 upon T1 into T2, बाकी लोग कहाँ चले गए हो यार? अरे बाकी लोग सो गए हो क्या? तो बोलो यार, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो T2 अगर ग्रेटर देन T1 है तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है, यहाँ पर T2 एलसीएम लोगे तो T2 - T1 upon T1 D2 आएगा, और T2 अगर ग्रेटर देन T1 है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, यस। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। लॉग समथिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो समथिंग हैज टू बी, लॉग समथिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव तो समथिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 1, log something is equals to positive, so something will be greater than 1, yes, so k2 by k1 should be greater than 1, so k2 by k1 should be greater than 1, delta h agar positive hua to, fir se repeat kar raha hu, temperature badhaoge to ye wali quantity t2 minus t1 jo aayega wo tumhare paas kya aayega, t2 minus t1 jo hai ye positive aayega, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये भी पॉजिटिव है, लॉग समथिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो लॉग समथिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव तो समथिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 1, यस। ठीक है, अगर एक और चीज सुनो, बट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो लॉग समथिंग इज इक्वल्स टू नेगेटिव, समथिंग हैज टू बी less than 1, clear? आज के बाद अगर तुमको केमिस्ट्री में कभी भी दो टेम्परेचर दिखे और प्रॉब्लम अगर इक्विलिब्रियम का है तो ये रिएक्शन लगेगा, ये हिंट है। अगर तुमको केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन में दो टेम्परेचर दिखे और प्रॉब्लम अगर इक्विलिब्रियम का है, इस इक्वेशन का यूज करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं होता उतना जल्दी, तो स्ट्राइक अगर तुमको करना है, दो टेम्परेचर अगर दिए, ऐसे प्रॉब्लम्स करूंगा मैं आयनिक के अंदर, अगर दो टेम्परेचर गिवन, डेयो टेम्परेचर अगर गिवन है और तुम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, इफ टू टेम्परेचर आर गिवन और प्रॉब्लम अगर तुम्हारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा और ये फॉर्मूला इजिली स्ट्राइक नहीं होगा, क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बोलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब सुनो, अगर मैं
अभी इस रिएक्शन का केसी कितना है, 4 है, यस। अगर मैं इसको 2 कर दूं, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा नया केसी आया उसको मैं क्या लिखूंगा, डी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, यस। अभी ये रिएक्शन है जिसका क्या है, 4 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया एक नई रिएक्शन, तो उसका केसी क्या होगा, डी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, मतलब 8/3 का स्क्वायर इंटू 8/3 का स्क्वायर अपॉन 4/3 का स्क्वायर इंटू 4/3 का स्क्वायर, यस। तो क्या वो 16 आता फिर, कर लो चेक कर सकते हो, 8/3 अभी 8/3 इंटू 8/3 अपॉन 4/3 इंटू 4/3 तो केसी 4 है। अगर तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो 8/3 का स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर आता, तो ये 16 आता तुम्हारे पास। इसका मतलब रिएक्शन को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नया केसी आएगा वो केसी स्क्वायर हो जाएगा, पुराने वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यस, पावर में जाएगा। अगर तुम रिएक्शन क्वेश्चन, अगर तुम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केसी की पावर 2 हो जाएगी, जो नया केसी होगा उसकी पावर 2 हो जाएगी पुराने वाले केसी से। सर 3 से करते तो 3 से मल्टीप्लाई करता तो केसी का क्यूब हो जाता, सर 1/3 से मल्टीप्लाई करता तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो केसी की पावर 1/3 हो जाता, 1/4 से करते तो केसी की पावर 1/4 हो जाता। ऐसा कहीं पे ऐसा देखा है कि कहीं पे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना, यस। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेल्टा एच ट्वाइस हो जाता है। अगर तुम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को मल्टीप्लाई, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 2 तो डेल्टा एच विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, यस। बट न्यू केसी विल बिकम केसी स्क्वायर, यस नो, न्यू केसी विल बिकम केसी स्क्वायर। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच ट्वाइस हो जाएगा, बट अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया केसी होगा, न्यू केसी विल बी द स्क्वायर ऑफ ओल्ड केसी, यस। तो जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर में चला जाएगा, जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर में चला जाएगा। तो क्या स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा केसी, यस। इफ यू चेंज द स्टोइचियोमेट्री क्या वो चेंज होगा, यस। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है केपी केसी, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, हाँ करेगा, स्टोइचियोमेट्री पे करेगा क्या, यस। इफ यू चेंज द स्टोइचियोमेट्री ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन के विल चेंज। तो देयर आर 3 रूल्स जो अपन ने हैश में भी पढ़ के रखे थे, हैश लॉ में, तो वो यहां पर देखेंगे क्या। फर्स्ट थिंग, अगर तुम 2 रिएक्शन को ऐड करते थे, इफ यू आर एडिंग ए इट विल गिव सी चाहिए, ए इट विल गिव बी इट विल गिव सी से, ए इट विल गिव सी चाहिए, इन दोनों इसको ऑब्टेन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं बताओ, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो 3 को ऑब्टेन करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग 1 + 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। अगर मैं ऐड करूंगा तो डेल्टा एच क्या होता था, डेल्टा एच ऐड हो जाता था, यस, डेल्टा एच क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था, बट के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो अगर तुम किसी भी 2 केमिकल रिएक्शंस को ऐड करोगे तो डेल्टा एच तुम्हारे पास H1 + H2 होता था, बट जो के इक्विलिब्रियम होगा वो होगा K1 × K2, कैसे, देखो क्या मैं K1 को ऐसा लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यस नो, ये मैं तुम्हारे सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्या ये हो जाता क्या, बोलो। और अपने को यहां पर क्या चाहिए, अपने को यहां पर चाहिए सी अपॉन ए, तो सी अपॉन अगर ए अपॉन चाहिए तो क्या समझ में तुमको ये चीज आता है कि अपने को K1 को मल्टीप्लाई करना होगा K2 से, तभी तो ये आएगा,
तो हमको हर बार डेरिवेशन करना है क्या? ना 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 ना, डेरिवेशन नहीं करना है। अपने क्या करना है, अपने को ये रूल याद रखना है, दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब सुनो, अगर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई किया होता, फर्स्ट वाली रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई किया होता और फिर सेकेंड के साथ ऐड किया होता, तो नया जो के आता, जो यहाँ पे रिएक्शन ऑब्टेंड हो रहा है, उसके लिए इसको टू से मल्टीप्लाई किया है और फिर इसमें ऐड किया है, तो क्या समझ में आता है कि फिर ये के वन स्क्वायर इंटू के टू हो जाता? यस, वही रूल जो ऊपर पढ़े थे यार अपन ने हैश लॉ में, यहाँ पर पावर में जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा, थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब होगा, वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाई पावर वन बाई थ्री चला जाएगा, ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर रिवर्स कर दे तो, इतने समझदार तो तुम हो ही। तो यहाँ पे अगर तुम K1 लिखोगे तो K1 कितना आएगा, अगर तुमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यहाँ पर जब तुम लिखोगे तो आएगा C into D upon A into B, और यहाँ पे अगर तुम K को लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A into B upon C into D। तो क्या ये नया के जो होगा पुराने वाले के का वन बाई के वन हो जाएगा? तो दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन बाई के वन आ जाएगा, के वन की पावर माइनस वन आ जाएगा। अगर मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया होता, तो टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया होता तो क्या ये वन अपॉन के वन स्क्वायर आ जाता? बोलो, किसी को डाउट हो तो तुम माइक ऑन कर सकते हो। ये एग्जाम में ये मत करना यार, बार बार बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये करने बैठ गए, रूल्स याद करने हैं, ये तुम्हारे जस्ट ऐसे तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए हाँ क्यों आ रहा है ऐसे? अगर तुमने लेट से ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का केवन कितना होगा, इस रिएक्शन का जो केवन होगा वो होगा, दिस विल बी ए का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी, और यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका जो के होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी की पावर हाफ। तो क्या ये समझ में आता है, ये इसका रूट है? यस नो, मैं तुमको जस्ट डेरिवेशन बता रहा हूँ, बट तुमको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, रूल्स क्या है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर तुम दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो डेल्टा एच ऐड होता है, बट जो के इक्विलिब्रियम होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर तुम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर अगर तुम किसी रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो जो नया के होगा वो वन बाई के हो जाएगा। अगर तुम किसी भी रिएक्शन को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा एच, जैसे टू से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच ट्वाइस, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच थ्राइस, अगर यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया तो नया के वन स्क्वायर, थ्री से मल्टीप्लाई किया तो के वन क्यूब, वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया तो के वन की पावर वन बाई थ्री। क्लियर सर? किसी रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और रिवर्स भी कर दिया तो क्या हो जाएगा? किसी रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और रिवर्स भी कर दिया तो वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। रिवर्स मतलब वन बाई के, टू से मल्टीप्लाई मतलब उसका स्क्वायर। एक रिएक्शन है, ध्यान से सुनो, एक रिएक्शन है उसको टू से मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रिएक्शन में, और सेकंड रिएक्शन को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करके उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक रिएक्शन है, रिएक्शन वन उसको टू से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड रिएक्शन को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया और उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस रिएक्शन का के क्या होगा? माइक ऑन कर सकते हो सर? ऐसा हो जाएगा क्या, के वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ के टू?
k1 square upon cube root of k2 ना आपने 2 को 1 से अच्छा ओके हां सर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैडम क्या ये समझ में आया क्या तुम लोगों को रिएक्शन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और रिएक्शन 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया और सबट्रैक्ट किया है तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से इसका मतलब k1 स्क्वायर इसको सबट्रैक्ट किया है 2 से एक और देखो ये मैं ऑपरेशंस बता रहा हूं हां तो सर तो सबट्रैक्ट से अरे भगवान गिरीश तुम के सो जाता है क्या बीच में क्या रे हां तो फिर ये बताया ना ये देख सबट्रैक्ट करने का मतलब रिवर्स करना सबट्रैक्ट करने का मतलब रिवर्स करना ना रिवर्स करेगा तो 1/k होगा ना एक रिएक्शन है रिएक्शन 1 उसको हाफ से मल्टीप्लाई करके रिवर्स किया है एक रिएक्शन 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स किया है तो नया k क्या होगा रिएक्शन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को रिवर्स किया तो नया k क्या होगा सर 1/√a1 into 1/k2 square क्या ये सही है जिसको भी लगता है सही है चैट सेक्शन में लिखो जिसको नहीं लगता है डाउट पूछो मल्टीप्लाई मतलब पावर 1 का पावर हाफ 2 की पावर 2 दोनों को सबट्रैक्ट मतलब 1/ के अंदर दोनों आ जाएंगे अगर मैंने ये कर लिया होता जैसे प्लस कर लिया होता प्लस करता तो रूट के वन ऊपर आ जाता यस अगर मैंने यहां प्लस कर लिया होता तो के2 स्क्वायर ऊपर आ जाता यस बस यही है अरे सबको है ना क्लियर डाउट नहीं है ना चलो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है 0 एंड क्यू किसके इक्वल होता है अब समझ में आया कि क्यू के इक्विलिब्रियम के इक्वल क्यों होता है इक्विलिब्रियम में यस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक रिएक्शन जो है उसका जो के इक्विलिब्रियम है उसका 10 है और एक रिएक्शन जिसका के इक्विलिब्रियम 1000 है तो 1000 वाला रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू 10 वाले रिएक्शन से आया ना इसका मतलब नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हो ध्यान से अरे ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं होता एक का 10 है एक का 1000 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1000 वाले में जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी पर जल्दी एस्टैब्लिश होगा ये थोड़ी पता कर सकते हो क्या केस है ये केस से तुम टाइम पता नहीं कर सकते रिएक्शन कितना फार जाएगा वो पता कर सकते हो पर रिएक्शन कितना जल्दी एस्टैब्लिश होगा वो थोड़ी पता कर सकते हो कि जल्दी एस्टैब्लिश होगा वो पता कर सकते हो क्या नहीं टाइम की तो बात ही नहीं की मैंने यहां पे कहीं पे भी टाइम का तो मैंने कहीं पर बात नहीं किया वो बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में दैट वी विल टॉक इन द केमिकल काइनेटिक्स वो बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में तो टाइम टेकन या अटेंड द इक्विलिब्रियम हैज नो रिलेशनशिप बिटवीन द विद रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं है पहले तुम लोग ध्यान से 2 मिनट या 3 मिनट का ले लो ब्रेक 9-7 और जिस भी बच्चे को स्पीड अब यही रहेगा वो थोड़ा सा रहेंगे अटेंटिव ठीक है स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे और आई नो कि स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया है यस बोलो
नहीं लग रहा तो अच्छी बात है, बट जिसको भी लग रहा है स्पीड यार अब यही रहेगा, क्योंकि चीजें अब तुम वो टेंथ वाले बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम हो गए स्मार्ट यार, थोड़ा स्पीड के साथ तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ब्रेक ब्रेक पहले जो स्टार्टिंग में ब्रेक मिलते थे अब वो नहीं है, अब कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। हाँ बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक दे दिया तो वो चलेगा। नाउ अपन इस कंडीशंस के साथ थोड़े से स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया तो वैसे ही करना पड़ेगा। सो आंखें खुली और कान भी खुले और वैसे सुनते जाओ चीजों को, डाउट है उसी टाइम रेज करो और क्लियर आउट करो। ये नहीं है कि मैं बाद में पूछ लूंगा, और कंपटीशन तो पहले ही अपना कम हो गया है, जहां पे 160 है 30 लोग तो वैसे नहीं आते, तो कंपटीशन तो अपना वैसे ही कम है, अपने को इतना सोचने की नीड है ही नहीं, तो और अच्छा हो गया है। हमारे कितने चैप्टर्स रह गए? अरे सारे रहे भी तो हुए क्या है अभी तक? 6 चैप्टर हुए यार ऑफलाइन। सच में मुझे नहीं पता यार, ऑफिशियली मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उड़ती उड़ती खबर सुनी है। 6 चैप्टर हुए हैं अभी तक बाकी है, 1/3 भी नहीं हुआ है, ये 7th चैप्टर चल रहा है, तो है अभी। डू यू टीच इन द मुंबई ब्रांच? हाँ यार मैं मुंबई ब्रांच में भी कुछ स्पेसिफिक सेंटर है उसी को पढ़ाता हूँ। फैकल्टीज चेंज हो जाएगी क्या ऑफलाइन में? यस वो तो चेंज हो जाएगी। योर टॉन्ट्स आर सो गुड जस्ट लाइक द पेरेंट्स गिव्स अस। यस तो मैंने भी सुनी है अपने पेरेंट्स से, इसलिए मैं अब तुमको बता रहा हूँ सारी टॉन्ट्स, सब टॉन्ट्स मैंने सुनी है, डोंट वरी। अंधेरे में यू विल कम ना, पता नहीं यार मतलब कहाँ पे होगा नहीं होगा सर। आप ऑफलाइन के बाद हमें नहीं हमें भी अपने नोट शेयर कर देना, ठीक है? जान भी पैसे लगेंगे, नोट सारे शेयर मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा बस। क्यों क्यों क्या मतलब ऐसे ही होगा? ऑफलाइन का टाइमिंग क्या होता है? ऑफलाइन का टाइमिंग ही मॉर्निंग ही होता है यार। अरे तुमको जो सेंटर पे जो पढ़ाएगा वो होगा, हमसे हाँ तुमसे ही पैसे लूंगा और किससे लूंगा। हाउ मेनी लेक्चर? 3 lectures a day, 3 lectures होंगे। 7:30 हाँ 7:30 7:30 स्टार्ट होता है, बट मैं कभी 7:30 पहुंचा ही नहीं, तो मेरा थोड़ा रिकॉर्ड खराब है, तो क्योंकि मैं पवई रहता हूँ, मेरा अगर दादर में जनरली लगता है हाँ, मतलब अभी लास्ट जब मैंने लॉकडाउन से पहले मेरे पास कौन कौन से सेंटर्स थे, मैं मैक्सिमम डेज अंधेरी में मैं पढ़ाया था नहीं अंधेरी के मेडिकल को हाँ अंधेरी के मेडिकल को मैं ही पढ़ाता था हाँ हाँ अंधेरी और दादर हाँ ये 2 सेंटर मैं देता था लास्ट लॉकडाउन से जस्ट 2 साल पहले। बाकी कभी कभी पवई एंड कभी कभी मैं चेंबूर भी गया 1-2 दिन ऐसा। बोरी वाली तो यार नहीं है, पवई से बोरी वाली देखते हैं। हाँ यार चेंबूर भी मैं पढ़ाया है। चलो तो फिर आओगे देखेंगे यार। तू चेंबूर का है गिरीश? क्या बात कर रहा है, तब तो नहीं आऊंगा मैं चेंबूर, मना ही करता हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। करो करो यार देखेंगे यार, ऑफलाइन में बहुत टाइम है, नहीं पता यार मेरे हाथ में नहीं होता सेंटर, मेरे को कौन सा अलॉट होगा वो मेरे हाथ में नहीं होता है। मैनेजमेंट टीम विल डिसाइड कि किस कौन से टीचर को कौन कहाँ पे जाना है, हम उतना इंटरफेयर भी नहीं करते, हमको जहां बोलते हैं हम चुपचाप चले जाते हैं।
तो तुमको देखना है कि थर्ड रिएक्शन को कैसे मिलेगा, थर्ड रिएक्शन कैसे मिलेगा। सबको एक चीज समझ में आनी चाहिए, थर्ड रिएक्शन जो मिलेगा, थर्ड रिएक्शन जो मिलेगा वो वन में से टू को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। तो यहां से ये आएगा के वन डिवाइड बाई के टू, तो के थ्री विल बी के वन डिवाइड बाई के टू, तो 6.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर माइनस 14। नेक्स्ट नेक्स्ट ध्यान से करेंगे यार बच्चे, श्रेया ध्यान से करो यार, नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर तुम्हें नेक्स्ट का आंसर जो दे के रखा है। ओके महक गुड, तुमको के जो रिएक्शन है उसका देखो, रिएक्टेंट के आगे कुछ लिखा है, प्रोडक्ट के आगे कुछ लिखा है, तो के एफ और के बी देके रखा है तुमको, के एफ और के बी से के सी निकाल लोगे यार तुम लोग, डी आ रहा है क्या? पक्का डी आ रहा है? ईशान, गिरीश, केगन, वैष्णवी, आकांक्षा, महक, श्रेया, निक, अच्छा ये तो ऊपर आ गए, महक, आकांक्षा, वैष्णवी, गिरीश, केगन, ईशान, बाकी लोगों को क्या हो गया? ओके मॉली गुड, ओके ओके पथमेश, ये तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी तक? ओके okay, सर ठीक। अच्छा ओके शानी का तुम्हारे पुणे में भी स्टार्ट नहीं हुआ क्या ऑफलाइन? नो सर। पुणे में केसेस का क्या सीन है सर? बढ़ रहे हैं बहुत। बढ़ रहे हैं? हाँ सर। मुंबई में कम हो गए? मुंबई में कम हो गया जैसे स्कूल ओपन है, बढ़ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? मुंबई में, पुणे में बढ़ रहे हैं? ओके श्रेया, मुंबई का क्या सीन है? मुंबई में कम है ना? हाँ मुंबई में देखो कम हो गए, अभी अभी कोचिंग ओपन कर देंगे फिर से बढ़ जाएंगे, क्या सही लाइफ चल रहा है ना। तो अब देखो यार ये क्या, सबको ये समझ में आता है? ये के एफ है यस, और ये के बी है यस। जो रिएक्टेंट के आगे लिखा है वो के एफ है, जो प्रोडक्ट के आगे लिखा है वो के बी है। तो इसका मतलब कि के सी जो होगा वो होगा के एफ अपॉन के बी, के सी जो होगा वो होगा Kf upon Kb, तो Kf will be 1.7 into 10 to the power minus 18 divided by 2.4 into 10 to the power minus 21। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है? ये हो जाएगा 1700 1700 divided by
2.4 यस बोलो। बट अपने को इस रिएक्शन का मिला यार, अपने को इस रिएक्शन का चाहिए, तो क्या इस रिएक्शन का जो k डैश आएगा क्या वो रूट ऑफ के सी हो जाएगा क्या? हाँ या ना? क्योंकि अगर ये वाली रिएक्शन है इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिले, हाफ से मल्टीप्लाई मतलब नया के सी विल बी रूट ऑफ के सी, रूट ऑफ के सी मतलब दिस 1700 डिवाइड बाय 2.4। तो आंसर डी आ जाएगा यार। नेक्स्ट ओके महक एंड गिरीश, ओके वरुण, ओके माले, ओके कार्वी का आंसर डिफरेंट आ रहा है। कार्वी तूने कुछ मिस्टेक किया है देखो। ओके ईशान, ओके दशा, अपने को NH4 जो है NH4 को देखो यार, ये इस साइड है, इस साइड चाहिए, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और OH इसी साइड है, इसी साइड चाहिए, इसको ऐड करेंगे, इसका जो के आएगा वो आ जाएगा K2 डिवाइड बाई K1। सो आपने OH और NH4 OH को क्यों देखा, ये आई थिंक मैं तुमको बता चुका हूँ। यस इसको चेक करना है जो रिएक्शन में एक बार हो, तो NH4OH सिर्फ यही था और कहीं पे सेकंड वाले रिएक्शन में है ही नहीं, और OH यहीं पे था वो सेकंड वाले रिएक्शन में है ही नहीं। NH4OH जो है वो इसी रिएक्शन में, सेकंड वाले रिएक्शन में नहीं है। OH जो है सेकंड रिएक्शन में, फर्स्ट वाले रिएक्शन में नहीं, इसीलिए मैंने NH4OH और OH को देख लिया। क्लियर बोलो। 1.8 into 10 to the power minus 5 शाला। नेक्स्ट एक मिनट हाँ अब बता रहा। बी कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, जानवी ए बोल रही है, बाकी सब लोग बी बोल रहे हैं। ओके प्रथमेश, ओके मौली, तो ये रिएक्शन हो गया है, तो ये रिएक्शन तो मतलब टू मोल्स ऑफ N2 और टू मोल्स ऑफ H2, तो ये टू ये भी टू, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, तो ये टू माइनस एक्स, ये टू माइनस 3x और ये 2x। यस 0.4 मोल्स ऑफ H2 इज यूज्ड अप, इसका मतलब यूज कितने हो रहे हैं 3x, 3x कितना देके रखा है 0.6, तो ये x विल बी 0.2। क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना है NH3 का, तो NH3 का कंसंट्रेशन विल बी, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विल बी कितना होगा, वो होगा मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ NH3 मतलब 2x, तो 0.4, तो मोल्स वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा यार, जिसने 0.4 बोला उसने वॉल्यूम लिखा ही, कंसंट्रेशन बोला है उसने, वॉल्यूम 5 लीटर है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। वॉल्यूम जनरली 1 होता है, सॉरी जनरली 1 लीटर होता है, तो अपन वॉल्यूम वॉल्यूम बार बार लिखते नहीं है, बट वॉल्यूम में टर्म्स में हमेशा गलती होती है, तो ये कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। क्लियर ना।
अरे 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 करो यार, ये चारों साथ में ही कर लो यार, अभी आंसर मत दो, ये चारों सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, इन चारों को साथ में सॉल्व करो। BABC BABB साथ में चारों आंसर साथ में बता दो यार। तो गिरीश BABB, प्रथमेश BABC, वरुण BABC, महक BABC, ओके बाकी लोग, ईशान BABC, मौली BABC, अंशुमान का बी और ए फर्स्ट और सेकंड का ठीक है, गिरीश का भी BABC, राघव का भी BABC, गार्गी का भी BABC, रिजा का भी ओके, सुमति रूपा ओके, सिंपल से प्रॉब्लम है, वैष्णवी रुतिका निकिता गुरु, सिंपल से प्रॉब्लम है, कैसे इसके लिए तीनों को ऐड करना है, यस। अरे यार एक तो इसके बाद किसका लेक्चर है, फिजिक्स प्रतीक सर, अच्छा चलो देखो, तो अब क्या कर रहे हैं, अगर तुमको आई होप तुमको समझ में आना चाहिए, देखो ये एक एच प्लस यहाँ पे, एक एच प्लस यहाँ पे, एक एच प्लस यहाँ पर, यहाँ पे थ्री एच प्लस है, इसका मतलब डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, वो तीनों रिएक्शन को ऐड कर रहा है, तीनों रिएक्शन को ऐड करेगा तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K1 × K2 × K3, इसका आंसर आ जाएगा बी, सिंपली। यहाँ पर ये रिएक्शन है, इसका K1 है, तुमने क्या किया है, इसमें से यहां जाने के लिए तुमने रिवर्स भी किया है
और मल्टीप्लाई किया है टू से, यस, तो के टू विल बी वन अपॉन के वन, टू से मल्टीप्लाई वी कैन वन अपॉन के वन स्क्वायर ए। तुमको ये रिएक्शन चाहिए ना, तो ये जिंक इस साइड है इसी साइड चाहिए, एजी भी इस साइड है, टू टाइम्स ऑफ एजी इस साइड इसी साइड चाहिए, इसका मतलब अगेन मल्टीप्लाई वन प्लस टू को ऐड किया। नेक्स्ट क्या किया है बोलो बोलो बोलो, पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया सबको, अच्छा दोनों रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया है, यस, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट को, ऐड करोगे और सेकंड को भी हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, चीजों के लिए रस नहीं करते, टेक योर टाइम, होमवर्क। हो सकता है कल का इवनिंग लेक्चर, आई विल टेक ए ऑफिशियल लेक्चर, ओके। मोस्ट प्रोबेबली लूंगा मैं ऑफिशियल लेक्चर, नहीं हुआ तो लेट्स सी, ये होमवर्क करना, आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, जिसको भी डाउट्स है दे कैन आस्क। नरेंद्र अवस्थी के प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, यस, थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, मतलब स्टार्टिंग के 10-20 प्रॉब्लम्स जो भी हैं, क्या एक लेक्चर के लिए रुक जाओ, अभी करना है अभी भी कर सकते हो, लेक्चर के लिए रुकना है लेक्चर के लिए रुक जाओ, जो तुमको कन्वीनियंट लगे ऐसा कर लो। हाँ मुझे थर्मोडायनेमिक्स के नरेंद्र अवस्थी के एक दो प्रॉब्लम्स में डाउट था, वो मैं सेंड करती हूं, बच्चे अपन कल कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो दूसरा वाला फोन है वो स्विच ऑफ है यार कब से, ठीक है, कल के डाउट लेक्चर में तुम पूछ लेना, बता दो। हेलो सर, या सर वो थर्मो का सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें कुछ क्लैशेस क्लैपेरॉन इक्वेशन से कुछ यूज किया है सर, वो क्या होता? वो याद रख ले यार, इक्वेशंस का और कुछ यूज नहीं है, ठीक है सर, क्लैशेस इक्वेशन है, प्रथमेश ने भी आई थिंक पहले पूछा था, आई थिंक बताना भूल गया हूँ, बस उसका कुछ यूज नहीं है, वो इक्वेशन याद ही रख लो। हाँ सर ठीक है, सो वो एक्चुअली 27th को आपने थर्मो का बुकलेट डिस्कशन किया था ना, वो दिन कॉलेज था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी और आपको पूछना भूल गई, वो आपने रिकॉर्डिंग किया था क्या? आई थिंक डाउट नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था यार बच्चे को। अच्छा ओके, तो तुमको अगर डाउट्स हैं कोई बच्चे में तो तुम लेक्चर के बाद में पूछ लो या फिर कल के लेक्चर में पूछ लो। ओके सर, यस सर, थैंक यू। और किसी को उस थ्योरी में डाउट है, किसी भी बच्चे को? ओके देन, बाय।